आज हम सूजी और आलू से बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी कचौड़ी बनाएंगे। तो सूजी लिए हैं 1.5 कप। पहले इसका स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल लिए हैं, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, जीरा छटकने देंगे, इसमें 2 हरी मिर्च बारीक काट कर लिए हैं इसको डाल देंगे, और 1/4 चम्मच हींग लिए हैं इसको भी डाल देंगे। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज का प्याज बारीक काट कर लिए हैं इसको फ्राई कर लेंगे। हल्का सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें हरा मटर डालेंगे। हरा मटर आधा कटोरी लिए हैं, इसको उबाल लिए हैं, उबला हुआ हरा मटर है इसको डाल देंगे। और इसको भी हल्का फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें कलौंजी और अजवाइन को मिक्स करके लिए हैं, आधा चम्मच इसको डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे, 1 चम्मच सांबर मसाला डाल देंगे। सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम 4 आलू लिए हैं, इसको मैश कर लिए हैं, इसको भी डालकर इसमें मिक्स कर लेंगे। इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे। और इसको भी मिक्स कर लेंगे। आलू हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब हम कढ़ाई लिए हैं। कढ़ाही में 1.5 कप सूजी लिए हैं, तो 1.5 कप पानी डाल देंगे। और 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे इसमें, और 1/2 चम्मच अजवाइन डाल देंगे इसमें। एक चम्मच तेल डाल देंगे और इसको गरम होने देंगे।
पानी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें सूजी को डाल देंगे और इसको पका लेंगे। सूजी हमारा बन गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। अब हम इस बर्तन में सूजी को निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। सूजी हमारा ठंडा होता है तब तक हम स्टफिंग का बॉल बना लेते हैं छोटे छोटे। इस साइज का बॉल बना लेते हैं सबका। इस तरह से सबका बॉल बना लिए हैं। अब हमारा सूजी ठंडा हो गया है, हल्का हल्का गर्म है। अब हम इसमें एक चम्मच तेल डालकर इसको गूंथ लेंगे अच्छे से। इस तरह से गूंथ लेंगे। अभी थोड़ा गर्म है, इसको गूंथ लेते हैं। इस तरह से गूंथ लिए हैं। अब हम इसका छोटा छोटा लोई बना लेंगे। इस तरह से इसको इस तरह से कर लेंगे और फिर इसके अंदर एक बॉल डाल देंगे आलू का और इसको बंद कर देंगे। और ये इस तरह से शेप दे देंगे इसको। इसमें देखिए इस तरह से सबको बना लेते हैं। एक और बनाते हैं। इसको इस तरह से बनाते जाएंगे और एक बॉल इसमें डालते जाएंगे। इस तरह का शेप देते जाएंगे इसमें। देखिए इस तरह से सबको बना लेते हैं। इस तरह से सबको बना लिए हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। अब हम एक कढ़ाई में पहले से तेल को गरम किए हैं, अब इसमें हम इसको फ्राई कर लेते हैं। इसको हाई फ्लेम पर भी फ्राई करेंगे। इसको अभी नहीं पलटेंगे, अंदर से पकने देंगे फिर इसको पलटेंगे। अब हम इसको पलट लेते हैं। इसको दोनों साइड से सुनहरा होने तक पका लेंगे। इस तरह से सुनहरा होने तक पका लेंगे। दोनों साइड से अलग पलट कर सुनहरा होने तक
पका लेते हैं। देखिए इस कचौड़ी में कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से सबको पका लेंगे। देखिए ये आलू सूजी की कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। ये बहुत क्रिस्पी और चटपटी है, ये बहुत टेस्टी लगता है। इस सॉस के साथ खाइए, देखिए कितना क्रिस्पी और कितना टेस्टी है। ये कचौड़ी आप भी बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर हमारा रेसिपी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए ये कचौड़ी कितना ही टेस्टी है, इस सॉस के साथ खाइए तो बहुत टेस्टी लगता है।